अस्सलाम वालेकुम। आज चंचलगोड़ा में एक छोटा सा वाक़ा पेश आया। नई सड़क चंचलगोड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने एक हमारी मलगी के है, हमारे बच्चों की मलगी है, ओनर है। उन्होंने अपनी मलगी किसी को किराए पे देना चाह रहे थे और आजू बाजू वाले कुछ ऑब्जेक्शन करे, तो वहाँ पे एक छोटा सा वाक़ा पेश आया उनके साथ। खैर उन्होंने वो बात को वहीं ख़त्म कर दे के मेरी फंक्शन हॉल जो जबीलपुरा फ्लाई ओवर उतरने के बाद में राइट हैंड साइड पर अभी बिल्डिंग बन गई है, वहाँ पे रहते हैं वो। तो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, कुछ बात बात कर रहे थे। वो अचानक इतने में तीन अफराद आए, वही नई सड़क वही मसले से जुड़े हुए, जिसमें एक निसार है और उनके एक छोटे भाई नज़ीर और एक मुख्तदर। तीन जने आए, ये लोग आराम से बात करते बैठे थे। ये लोग समझे कि कुछ मिलने की कुछ मलगी की बात करने आ रहे हैं, ये लोग नॉर्मल उठ के मिले, लेकिन वो लोग अचानक इनके ऊपर हमला कर दिए। ये हमला करे मेन जो मलगी के ओनर हैं मशाक, उनके ऊपर करे, और उनके साथ जीमान है एक उनके दोस्त और राज थे वहाँ, ये तीन जने थे और एक दो दोस्त थे, पांच जने, चार पांच जने बैठे थे। बहरहाल उन लोगों के ऊपर हमला कर दिए लोग आज, जिसमें ये निसार और मुख्तदर और नज़ीर तीनों मिलके करे, हमला करे पहले हाथ से मारे एक, तो बीच में छुड़ाने गए जीमान, हाथ से मारे तो अरे बात करने आ बात करो, उतने में निसार जो है उन्होंने चाकू निकाले, एक शार्प बेइंतहा शार्प चाकू निकाल के सीधा जीमान के ऊपर हमला करे। उन्होंने उनको सीधे हाथ पे यहाँ पे चाकू मार के यहाँ तक खींचा उनको पूरा, और उनको सडन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई। वो उनके दोस्त परेशान हो गए एकदम से, उनको जो ब्लीडिंग भी देख के वो लोग उनको संभालने में था, उन्होंने फिर कंटिन्यूस चाकू से वार करने गए। तो उसमें एक मशाक जो उनके और एक दोस्त है उनको यहाँ पे पूरा स्टैप हुआ है, और एक जो राज है उन्होंने जब पकड़ने बीच बचा हाथ ना ला रहे थे तो उनके हाथ के उंगलियाँ कटे हुए पूरे। तो ऐसा करे वो लोग बहुत एकदम, आप समझ सकते कि चाकू से जो खून और जो जीमान का जो खून जो रहा था, जो बोले उन लोग क्या उनका ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। इवन उनको वहाँ से यशोदा हॉस्पिटल लाया, यशोदा हॉस्पिटल पर मैं पहुँचा आधे घंटे के बाद में, जब भी उनका ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। तकरीबन बहुत कोशिश करने का ना साढ़े तीन चार घंटे की उनकी सर्जरी भी, अभी उनकी ब्लीडिंग रुकी है, अभी भी 48 आवर्स का टाइम दिए हैं उनको। बाकी दो जने जो है उनको स्टिचेस आए हैं, आउट ऑफ डेंजर है उनका। मैं जहाँ तक मतलब कंसल्टेंसी ऑफिस है, वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा का करते हैं, लकड़ी का पुल पर उनका ऑफिस है, और एक मुख्तदर है उन्होंने यूएस सिटीजन है, और दूसरा जो नज़ीर है इसका काम यही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है एरिया पुलिस वाले उनकी रउडी शीट क्यों नहीं खोल रहे हैं। पुलिस में इत्तला करें हम, वहाँ का जो एरिया आता है वो मादन्नापेट पुलिस स्टेशन के तहत आता है। मादन्ना पुलिस को हम इमीडिएट इन्फॉर्म करें, पुलिस इंस्पेक्टर आए, सब इंस्पेक्टर आए यहाँ पे, पूरा इन्वेस्टिगेशन करे, पूरा देखे, देखने के बाद में केस रजिस्टर्ड करे हैं। अब पता नहीं कुछ अरेस्टिंग हुए हैं या नहीं है, मेरे को उसकी अभी इत्तला नहीं, क्योंकि मैं यहीं पर हूँ, और मेरी कमिश्नर ऑफ पुलिस सिटी के और होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से अपील है कि इस चीज़ों को सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि आने वाले हालात दिन ब दिन शहर के हालात ऐसे चीज़ों से बिगड़ रहे हैं, तो इनको जब सख्ती से निपटेगी पुलिस ये चीज़ों को तो आगे चल के ऐसे वाकयात नहीं होंगे। अगर इसको ढील देते हैं कुछ ऐसा करते हैं तो फिर ऐसे वाकयात होंगे, शहर के हालात ख़राब होंगे, क्योंकि देखिए आप शहर के हालात ऐसे हो रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं को ये अपील करता हूँ, मैं पुलिस कमिश्नर साहब से करता हूँ, सीएम साहब से, होम मिनिस्टर साहब, कि इसको आप लोग सख्ती से निपटिए, ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए। ये आप मारे जो बता रहे हैं उसकी एक्चुअल वजह क्या है, किस बात को लेकर ये तनाव हुआ? भाई ये एक मलगी का है, जो मलगी है मशाक की ओनर है उन्होंने मलगी के, उनका मकान भी उसी को लग के मलगी के, तो उन्होंने मलगी किसी को किराए पर दिए, तो उनके घर के बाजू वालों को ऑब्जेक्शन है कि भाई फलाना कारोबार को मत दीजिए मलगी, वो कोई गैर कोई खाने पीने की ऐसी कोई चीज़ के, किराएदार है या फिर बाजू वाले जो मारने वाले हैं, इनके घर से चार घर बाद में है उनका घर, चार घर बाद में इनके घर को लग के भी नहीं है, जो उनको ऑब्जेक्शन हो रहा मत दो करके, चार घर बाद में जो घर के बाजू वाले हैं उनको ऑब्जेक्शन है, उनसे जो इन्हों खाली पी लिया है जो नज़ीर करके है उसका काम वही है, उन्होंने सुबह से शाम तक लड़ना झगड़ना, उससे पड़ोसियां बेजार है, उससे मोहल्ले वाले बेजार है, लोग कह रहे थे नज़ीर निसार है, वो जो मलगी का जो बोल रहा हूँ मैं आपको,
उससे 4-5 घर छोड़ के इनका घर है जी। चंचलगुड़ा, चंचलगुड़ा नई सड़क के हैं ये भी, चंचलगुड़ा नई सड़क के लोग अभी।